So class 12th, good morning to all of you. So today I will discuss again the new topic, issue of debentures as a collateral security. अब ये collateral security क्या है? हम bank से जब हमें पैसे की need होती है तो हम पैसा तो ले लेते हैं bank से और एक liability हमारे पास create हो गई bank loan के नाम से, ठीक है? So जब हमें पैसे की need होती है तो हम bank के पास जाते हैं, ठीक है? और बदले में क्या लेते हैं? हम पैसा लेते हैं और हमारे पर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है बैंक लोन के नाम से, ठीक है? तो जो इसमें दो मेथड है, आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ. सेकंड मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है कि हम जो है ब्लैंक डिबेंचर, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ सिक्योरिटी हमको बैंक के पास रखनी है, ठीक है? वो सिक्योरिटी होती है डिबेंचर, ठीक है? जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और टू बैंक, पैसा आ रहा है और टू बैंक लोन, यानी एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है? फिर सेकंड एंट्री है कि हम बैंक को क्या देते हैं बदले में एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर तो सिक्योरिटी के तौर पर हम क्या देंगे? डिबेंचर, जो कि कंपनी के पास से जाएगा तो वो डिबेंचर, व्हाट गोज आउट डिबेंचर, तो डिबेंचर को आप क्रेडिट करोगे. डेबिट किसको करोगे? डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि यहाँ डिबेंचर सस्पेंस एक नई चीज़ आपको देखेंगे. यहाँ बैंक को हम डेबिट नहीं कर सकते. आप ये कहोगे कि बैंक को जब रिसीव हो रहा तो बैंक को डेबिट करें, लेकिन हम दो बार हम डेबिट बैंक को नहीं कर सकते, ठीक है? सीधा सा मतलब है, एक बार डेबिट कर दिया तो दोबारा डेबिट नहीं करें. ये बैंक को हम दे रहे हैं, तो आप कहोगे कि बैंक को डेबिट करना चाहिए. हम बैंक को डेबिट ना करते हैं, हम एंट्री करते हैं डिबेंचर सस्पेंस को, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट आपको एंट्री तो ये पास करनी है बैंक डेबिट टू बैंक, ठीक है? डिबेंचर सिस्टम से काम डेबिट टू डिबेंचर एंट्री. क्वेश्चन नंबर 13 है. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, एक्स लिमिटेड हैड 25 लाख डिबेंचर्स, 11% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1st April 2017. ड्यूरिंग द ईयर इट टुक अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक. यानी हमने उस साल 5 लाख रुपए की नीड थी हमें, हमने किससे ले लिया? बैंक से ले लिया. तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट और 5 लाख रुपया 5 लाख रुपए से क्रेडिट, ठीक? बैंक ने ले लिया. सिक्योरिटी कितने की रख रहे हैं? एज अ कोलेट्रियल सिक्योरिटी 6 लाख, यानी 6 लाख ब्लैंक डिबेंचर हम 6 लाख का दे करके, यानी 6 लाख के बदले 5 लाख का लोन ले लिया, ठीक है? 6 लाख का डिबेंचर हमने कर दिया बैंक के पास एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, पर बदले में क्या ले लिया? एक लोन ले लिया. तो कंपनी अगर देखा जाए तो कंपनी ने 5 लाख का लोन तो ले लिया, लेकिन अपना ही जो अपनी उसकी सिक्योरिटी है वो बैंक के पास 6 लाख की सिक्योरिटी दे दिया. नेक्स्ट, पास द नेसेसरी एंट्रीज, जबकि कह रहा है कि 25 लाख का डिबेंचर ऑलरेडी इसके पास है, कंपनी के पास है. 25 लाख, X लिमिटेड हैड 25 लाख, तो नेसेसरी एंट्री तो हमने पास कर दिया. ऑल्सो शो द डिबेंचर्स एंड बैंक लोन विल अपियर इन द बैलेंस शीट इन 31st March 2018. तो हम लोग जो नया टॉपिक है, इस टॉपिक के अगेंस्ट हम लोग कैसे बैंक लोन को शो ऑफ करेंगे, ठीक है? तो ये एक चीज़ हमें दिखानी है कि कैसे कैसे हमको एंट्री पास करनी है. अब आते हैं, हम एंट्री पास करते हैं क्योंकि एक एंट्री तो ये पास हो जाती है दो, और दूसरा हमें बनानी है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट. तो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट कब बनेगी? 31st March 2018 जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है, ठीक है? सो यहाँ पे आप लिखोगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, ठीक है? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज 31st March 2018, ठीक है? अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पे एंट्री पास करते हैं जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाना है. यहाँ पहले लिखिएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. फिर आप नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे नॉन करंट, नॉन करंट, यहाँ पे नॉन करंट जो लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी में आप क्या क्या शो ऑफ करोगे? लॉन्ग टर्म बॉरोइंग, ठीक
तो ये आपका नेक्स्ट है, इसके बाद जो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स नोट नंबर, ठीक है, करंट ईयर, प्रीवियस, ठीक। सो अब हम लोग करें, हम नोट्स टू अकाउंट बना करें यहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में हमको करना है बहुत सिंपल, नोट्स टू अकाउंट में हमें हमारा डेट क्या है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड, यहाँ देखो लॉन्ग टर्म बॉरिंग लंबे समय के लिए लिया गया लोन। लॉन्ग टर्म बॉरिंग में क्या क्या आता है, डिवेंचर्स, तो ये डिवेंचर्स जो है कितना परसेंट है, शायद 11% है, ठीक है। सो 11% डिवेंचर्स, 25 लाख का डिवेंचर्स है, ठीक है, कंपनी के पास। तो यहाँ पे आप लिखोगे 11% डिवेंचर, टोटल कंपनी के पास कितना लोग लैक का डिवेंचर था, टोटल था आपका 25 लाख, ठीक है। सो 25 लाख का डिवेंचर, ठीक है, 25 लाख। अब बैंक लोन आपने कितने का लिया, बैंक लोन, कितने का बैंक लोन लिया था, 5 लाख, ठीक है। तो टोटल आपके पास डिबेंचर थे 25 लाख के और आपने 5 लाख का लोन, ठीक है, 5 लाख का लोन ले लिया। तो हम देखते हैं आंसर में कि आंसर दिया नहीं है, तो शो कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है बैलेंस, ठीक है। सो आपके पास टोटल 25 लाख के डिबेंचर थे, जिसमें से आपने 5 लाख का लोन लिया, 6 लाख की सिक्योरिटी रखी, ठीक है। तो जितना लोन लिया है वो 11% डिबेंचर आपके पास ऑलरेडी था 25 लाख का, और दोनों उसके बाद आपने बैंक लोन लिया है, तो टोटल लाइबिलिटी जो ये बैंक लोन और डिबेंचर दोनों लॉन्ग टर्म बॉरोइंग होते हैं। तो यहाँ पे आपको नोट नंबर वन यहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। सो हम एक बार फिर बता दें कैसे करना है, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है, डिबेंचर और बैंक लोन, ठीक है। तो एक नंबर यहाँ आ गया, एक नंबर और टोटल लायबिलिटी 20 लाख, ठीक है। तो ये था टोटल, पिछले साल लोन कितना था, 25 लाख के डिबेंचर्स थे, ठीक है, 25 लाख का टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, और फिर उसके बाद यानी जो 20 कह रहा है कंपनी है 25 लाख डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग, यानी पिछले साल तो हमको 25 लाख रुपये तो पेड करना ही था, वो एक लाइबिलिटी थी, ठीक है। अब टोटल पेमेंट इस साल कितना करना है, हमारे पास ऑलरेडी 25 लाख का डिबेंचर का पेमेंट करना था, 5 लाख का और लोन ले लिया कंपनी को जरूरत थी, तो टोटल लोन आपके पास कितना हो गया, 30 लाख इस साल, पिछले साल कितना होगा, 25 लाख। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 30। नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14, हसन लिमिटेड, कह रहा है हसन लिमिटेड टुक अ लोन 30 लाख फ्रॉम अ बैंक अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ 40 लाख एंड इशूड 35,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 इज एज अ कोलेट्रियल सिक्योरिटी, ठीक है। सो द कंपनी है अगेन आफ्टर 1 ईयर टुक अ लोन 50 लाख एंड फ्रॉम बैंक अगेंस्ट प्लांटेड प्लांट एज प्राइमरी सिक्योरिटी एंड डिपॉजिटेड 60,000 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेट्रियल सिक्योरिटी रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल लिटरेज, हाउ विल यू शो इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। सो क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट, सो क्लास क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें पहला लोन जो दिया गया हसन लिमिटेड टू का लोन 30 लाख अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी 30 लाख का लोन दिया, ठीक है, और 40 लाख का डिबेंचर बैंक
को रिलीज कर दिया एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। फिर वो नेक्स्ट लोन ले रहा है 50 लाख का और प्राइमरी सिक्योरिटी रख रहा है 60, ठीक है 60,000 × 100 कर लीजिएगा तो 60 लाख। तो सेकेंड जो एंट्री चलेगी आपकी वो क्या होगी, यानी ये तो फर्स्ट लोन था, सेकेंड लोन की जो एंट्री पास होगी यानी सेकेंड लोन, ये फर्स्ट लोन की एंट्री पास है और वो सेकेंड, ठीक है। तो एंट्री सेम बनाइएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है, बी लोन टेकन एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। तो 50 लाख का आपने लोन ले लिया और सेकेंड एंट्री जो बनेगी आपकी डिबेंचर सस्पेंस डेबिट और टू डिबेंचर, ठीक है। तो 60 लाख के बदले में आपने टोटल लोन कितना ले लिया, 50 लाख, ठीक है। तो ये दो एंट्री बनानी थी और उसके साथ बैलेंस शीट भी क्रिएट करनी है, बैलेंस शीट, ठीक है। तो सेम तरीका वही है बैलेंस शीट का, लेकिन इसमें केवल ये कह रहा है कि बैंक लोन कितना प्रेजेंट करें, ठीक है। तो बैंक लोन प्रेजेंट करने के लिए सीधा सीधा मतलब ये है कि टोटल बैंक लोन जो हम प्रेजेंट करेंगे वो कितना प्रेजेंट करना है। तो बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको पहले डिबेंचर भी थी, डिबेंचर का भी लोन था कंपनी पर, वो भी पैसा देना है, बैंक लोन का भी देना था पिछले सवाल में, लेकिन इस सवाल में केवल बैंक लोन को बोला है कि हाउ विल प्रेजेंट द बैंक लोन, ठीक है, इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो कितना बैंक लोन आप प्रेजेंट करेंगे वो बता, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो लोन है, एक लोन ये है बैंक लोन और दूसरा लोन ये बैंक लोन 50, 30 और 50, ठीक है 80 लाख का लोन है हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग पहली चीज़ तो ये देख लो टोटल डिबेंचर था, यानी डिबेंचर था 40 लाख और डिबेंचर था 60, तो 60 40 कितना हुआ टोटल 10 लाख, ठीक है। और डिबेंचर सस्पेंस हमने बैंक को, हमारे पास डिबेंचर तो रहा नहीं, यानी 40 लाख और 60 लाख का डिबेंचर हमने बैंक के पास गिरवी कर दिया। तो हमारे पास प्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि कितना परसेंट डिबेंचर था टोटल, तो आपके पास डिबेंचर है जो 6% के, तो यहाँ पे आप देखोगे 6% डिबेंचर, केवल हमको बैंक लोन शो करना है, डिबेंचर को शो ऑफ नहीं करना, ठीक है। तो आपके पास टोटल डिबेंचर कितना चला, 40 लाख और 60 लाख, कितना हुआ टोटल हुआ 10 लाख, ठीक है। आप देखो 10 लाख का डिबेंचर था, अब इसके बाद क्या करना है कि हमारे पास माइनस करिएगा डिबेंचर सस्पेंस। अब तो हमारे पास डिबेंचर रहा नहीं क्योंकि ये बैंक के पास चला गया, तो ये ब्लैंक हो गया। तो डिबेंचर सस्पेंस देखो 60 लाख और 40 लाख दोनों प्लस कर दीजिएगा तो 10 लाख, ठीक है। तो अब हमारे पास डिबेंचर तो रहा नहीं कुछ क्योंकि ये सारा आपने बैंक को गिरवी कर दिया। अब हम बात करते हैं बैंक लोन की, हाउ टू प्रेजेंट द बैंक। तो हमारे पास बैंक लोन कितना क्रिएट, ठीक है, बैंक लोन कितना क्रिएट हो गया अभी आपको पता लग जाएगा, 30 लाख, ठीक है 30 लाख और 50, तो टोटल कितना क्रिएट हो गया, 80 लाख का लोन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 10 लाख की लाइबिलिटी तो ख़त्म ही हमारे पास है ही नहीं, सारा बैंक के पास चला गया, इसलिए डिबेंचर टोटल 10 लाख का था जिसमें टोटल डिबेंचर सस्पेंस नहीं, बैंक के पास कितना चला गया 10 लाख, तो हमारे पास कुछ बचा नहीं कंपनी के पास, कंपनी के पास एक और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई बैंक लोन 80 लाख, ये लोन पहला लोन और दूसरा लोन कितना 50 लाख, दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो टोटल कितना आएगा 80 लाख रुपीज। तो बैलेंस शीट में जो 80 लाख रुपया यहाँ करंट ईयर में प्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सो 15 नंबर क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन आ गया है, तो इंडिया लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इशू ऑफ 6%, ठीक है। सो एज अ फॉर कैश 90% 6000 डिबेंचर्स ऑफ 100, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है 15 नंबर क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन को, सो टुमारो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड टुडे हाउ मेनी क्वेश्चंस
done 4 question number 4, question number 6, question number 7, 3 questions, question number 9 and 10, then 3 to 5 and 13 and 14, issue of collateral security. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions today I have done. So अब हम लोग को केवल 15, 16, 17, 18 पढ़ना है और 19 पढ़ना है. बाकी आपका राइटिंग ऑफ इशू डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स राइटिंग ऑफ 20 से लेकर के 26 या 20 कहाँ तक है ये 29 तक के क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं. केवल आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 19 तक, जिसमें से 14 क्वेश्चन डन हो गया तो कल हम ख़त्म कर देंगे ये डिवेंचर. और टुमारो आई विल स्टार्ट रिडक्शन. क्लियर? सो थैंक यू क्लास.